हेलो दोस्तों, बीते से लगे नए वीडियो को स्वागत है। इस वीडियो को पढ़ाने वाला चैप्टर नंबर 8 हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक पढ़ा दिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर सारे के सारे वीडियोज को देख सकते हैं देन और इसके बारे में सारी की सारी आपको जानकारियां बताएंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं कि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते हैं जो कि हम बहुत सारे बुक को पढ़ाते हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो जरूर कॉमेंट करके बताना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम में वीडियोज मिल जाएगी और नोटिफिकेशन प्रेस करने से आप जल्दी से जल्दी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंडियन क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी क्या क्या बात करने वाले, इंडिया की जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं, वेजिटेशन मतलब किस तरह के यहाँ पे फल अब सब्जी इत्यादि उगाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारे पृथ्वी में हमारे भारत के अंदर क्या क्या जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं लेकिन भारत में क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। यू रीड इन न्यूज पेपर्स डेली एंड वॉच ऑन टीवी हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट द वेदर, यस आप ऑलरेडी देखते होंगे वेदर फोरकास्ट आता होगा चैनल में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेयर, और हाँ और एक बात आप हमेशा बताएंगे वेदर जो है डे टू डे चेंजेस हो रहा है एटमोसफेयर के कारण, इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा, और इसके कारण क्या क्या होता है, टेम्परेचर का चेंजेस होता है, रेनफॉल का चेंजेस होता है और सनशाइन का चेंजेस होता है। टेम्परेचर मतलब जो कि गर्मी बढ़ जाता है कभी कम जाता है, बारिश रेनफॉल यानी बारिश और सनशाइन यानी सूरज जो उगता है, कभी कभी देखोगे कि आप मतलब जो आसमान है वो बहुत मतलब ढला हुआ सा रहता है, उसमें मतलब सही सूरज नहीं उगा रहता है, बारिश जैसा मौसम आता है। फॉर एग्जाम्पल सच इट में भी हॉट और कोल्ड, मतलब या तो ये ठंडा रह सकता है या तो गर्म रह सकता है, या सनी रह सकता है या तो क्लाउडी रह सकता है, यानी कि मेघला आकाश बोल सकते हो कि आप उसमें आकाश आसमान में मेघ लगाया हुआ रहे या पूरा का पूरा सूरज उगा हुआ रहे, या हवा बह सकता है या पूरा का पूरा शांत रह सकता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग, और आप अगर मिलाओ तो अगर आप गर्मी के समय क्या कंटिन्यू बहुत दिनों तक गर्म रहता है तो आपको क्या आपको गर्म कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, और आप क्या खाते हो, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, ठंडे चीजें पीते हो इत्यादि। तो अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, हम विंटर के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया। अब बात करें कि अगर विंटर सीजन में क्या होता है कि सनरेज होता है डायरेक्ट फॉल नहीं करता है हमारे ऊपर, हमारा जो रीजन है उसके ऊपर, इसलिए क्या होता है जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, उसमें लो होता है सबसे ज्यादा जो लो होता है नॉर्थ इंडिया में होता है। आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हमारा जम्मू कश्मीर है और फिर हमारा लेह लद्दाख है, वहां पर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और साउथ की तरफ थोड़ा गर्म रहता है लेकिन वहां भी ठंड पड़ जाती है। ठीक है, अब बात कर ले हॉट वेदर के बारे में, तो हॉट वेदर सीजन या समर इसमें क्या होता है, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, इसमें क्या होता है सन रेज डायरेक्ट बहुत ज्यादा या मतलब थोड़ा कम एंगल से भी लेकिन बहुत ज्यादा हाथ तो सन का रोशनी से पड़ता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे, और क्या होता है जो हवा जो दिन में चलता है ना गर्मी के समय जो दिन में हवा चलता है उसको क्या बोलते हैं गर्म हवा, उसे क्या बोलते हैं लू बोलते हैं, जो सुनते हैं ना लू लग जाती है। तो उसके अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन के बारे में, तो रेनी सीजन क्या हमारे भारत में क्यों होता है, हमारे भारत में बारिश क्यों होती है, हमारे भारत में बारिश होते हैं मानसून के कारण होती है, और द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड, यानी क्या ये अरबियन सी की तरफ से बहकर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और ये अपने साथ मॉइस्चर बहुत ज्यादा कैरी करते हैं, नमी जो होता है कैरी करती है। व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स, और जब ये विंड्स जो है जब वो माउंटेन बैरियर्स को जब स्ट्राइक करती है तो क्या होता है वहां पर तब हमें रेनफॉल होता है। अब बात कर लेते हैं यार पतझड़ के मौसम यानी सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन की बात करें तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल, दिस इज सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, और ये क्या होता है ये जो होता है ये बैक कहाँ से करता है बे ऑफ बंगाल से बैक करता है, और दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव द रेनफॉल इन दिस सीजन, और इस सीजन में रेनफॉल कहाँ होता है बारिश कहाँ होती है तमिलनाडु में होती है आंध्र प्रदेश में होती है, और दोनों ही कहाँ है भारत के दक्षिण छोर पर है।
However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. और climate किसको बोलते हैं? Climate बहुत बड़े एक year term को लेकर gap किया था. अब देखो 2006 से अगर मान लिया 2006 एक term मान लिया 2006 में भी जून जुलाई में गर्म पड़ता था 2007 में पड़ता और 2020 में भी पड़ता है. तो क्या एक climate हो गया कि हाँ भाई मतलब अप्रैल में जून जुलाई जो होती है वहाँ पे क्या होती है गर्म पड़ेगी. फिर जुलाई से लास्ट अगस्त सितंबर जो होते हैं बारिश पड़ेगी. फिर अगस्त के लास्ट सितंबर तक क्या होगा वहाँ पे ऑटम सीजन रहेगा. और फिर अक्टूबर नवंबर से क्या हो जाएगा वहाँ पे आपके ठंडा पड़ जाएगा. तो ऐसा जो कि जनवरी तक चलता है फरवरी तक फर्स्ट तक चलता है इसको बोलते हैं. अब मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम. मानसून वर्ड कहाँ से मिला है? अरबिक वर्ड मौसम से मिला है. मौसम मीन्स क्या होता है? सीजन. और जो हम लोग बोलते हैं मौसम बहुत खराब है ये भी अरबी सीजन है. अरबिक जो है लैंग्वेज है. ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन दिस ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स. और जिसके कारण जो इंडिया का जो लोकेशन है इन दिस ट्रॉपिकल रीजन ज्यादातर बारिश क्यों होती है? मानसून के हवाओं के कारण होती है. और एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेन्स. और इंडिया का जो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग जो है ये केवल और केवल इस मानसून पर ही डिपेंड करता है. गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप. ठीक है, बाउंटीफुल क्रॉप यानी अगर बहुत अच्छा मानसून होगा तो बहुत अच्छी तरह से बारिश मिलेगा जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो बीज है बहुत ज्यादा सिंचित हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा बहुत अच्छा फल होगा मतलब बहुत ज्यादा जो अनाज होगा. अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट क्यों इफेक्टेड होता है. क्लाइमेट इफेक्टेड होता है लोकेशन के कारण इफेक्टेड होता है, एल्टीट्यूड के कारण होता है, डिस्टेंस के कारण होता है जो कि सी और समुद्र से ऊपर जो इतना डिस्टेंस होता है उससे होता है. Therefore, we experience the regional differences in the climate of Rajasthan. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot. अब बात करें राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म पड़ती है वहाँ पे. वहाँ का बीकानेर जैसलमेर बहुत ज्यादा गर्म है. While द्रास and कारगिल in जम्मू and कश्मीर are in freezing cold. और जबकि द्रास और कारगिल का जो जगह है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या होता है बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है. कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. और बात करें मुंबई या कलकत्ते की, मुंबई या कलकत्ता क्या होता है कि यहाँ पे मतलब ना ज्यादा ठंडा पड़ता है ना ज्यादा गर्म पड़ता है, ये बहुत ज्यादा बीचों बीच रहता है, मॉडरेट सीजन रहता है. दे आर नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड. यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा ना गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. अब बात करें यहाँ पे मौसेनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाइएस्ट रेनफॉल. यानी क्या जो मौसेनराम है वहां पर मेघालय का सबसे ज्यादा बारिश होता है, मतलब मेघालय का दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे रिसीव होता है. व्हाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान. और अगर बात करें कि जबकि आपका जैसलमेर जो है राजस्थान का वहां पर बहुत सालों में बारिश कभी कभी नहीं भी होती है. अब बात है नेचुरल वेजिटेशन की. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वी सी इन अ वैरायटी ऑफ अ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस. आप लोगों को ग्रीन ग्रासेस में खेलने बहुत मजा आता होगा. और दे आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स लाइक बुशेस श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा. तो जब हम लोग क्या होता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सब. लेकिन अब बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे द ग्रास शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. अब अगर बात करें तो जो जंगलों में जो घासें होती है, शर्ब्स होती है, जो ट्री कुछ होती है वो क्या होते हैं उसका उसके लिए हमें हेल्प करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता. हम उसको बिना लगाए हुए भी अपने आप जो है वो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस का ही वो क्या होता है वो अपने आप ग्रो कर जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. अब अगर बात कर ले थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब अगर बात करें कि आपका जितना भी हम लोग करते हैं तो अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें क्या होता है, रेनफॉल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नेचुरल वेजिटेशन में. Why are the forest necessary? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide.
तो जंगल हमारे क्यों फायदेमंद है, क्योंकि जंगल जो है, जंगल हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। जिससे क्या होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो ऑक्सीजन छोड़ता है, इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है एटमोस्फेयर में, जिसके कारण हम भी बचे रहते हैं और हम अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। और द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। और साथ ही बात करें तो अगर ये जंगल जो है वो क्या होता है, मिट्टी के पकड़ के रहती है, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन जो मतलब मिट्टी की कटाई को रोकती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द टिम्बर फ्रॉम द फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी गम, इतना कुछ हमें जो है वो जंगलों से मिलता है। फ्यूल की बात करें, अगर काठ की बात करें, उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है हमें, हर्ब्स मिलता है, फिर उसके बाद आपका हनी मिल जाता है, गम मिल जाता है, इतना कुछ हमें मिलता है। अब बात करें कि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वो क्या नेचुरल हैबिटेट है किसका, वाइल्ड लाइफ का। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट, नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अब हम एक बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन जो है ना, बहुत बड़े पैमाने पर जो है बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। क्यों? ये रेकलेस जो है कटिंग ऑफ ट्रीज, क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग कटिंग ऑफ ट्रीज जो कर रहे हैं, लोग पेड़ काट रहे हैं, क्यों? सोसाइटी बचाने के लिए, घर बचाने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए। तो इसलिए वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल टू मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। अब हम लोग गवर्नमेंट क्या बहुत कहते हैं कि नई नई स्कीम लेकर आए, जैसे वन महोत्सव बोलकर एक प्रोग्राम किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, लोगों को पृथ्वी को मतलब हरा भरा रखने में मतलब मदद किया जाता है। साथ ही देखते नहीं, आपकी स्वच्छता के तौर पर आपका पेड़ पौधे लगाने के लिए बोला जाता है, ये कर रहा है, तो इसके लिए। अब थोड़ा नीचे जाकर बात करते हैं तो हाँ, तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा चीज दिखा दूं मैं आपको कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि सॉइल बाइंडिंग है, ये फर्नीचर है जो कि सॉइल से मतलब जो कि सॉइल बाइंडिंग को पकड़ रखा है, इसके थ्रू हमें थोड़ा थोड़ा काट हम काटे तो स्पोर्ट्स गुड्स मिलता है, फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, सेल्टर मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, गम एंड लैग मिल जाता है हमें, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर मिल जाता है, रबर मिल जाता है, तो इतना कुछ हमें पेड़ से मिलता है अगर हम पेड़ को ना काटे तो। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। यानी वैरायटीज ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है वो जंगलों में रहते हैं, जैसे बात कर रेप्टाइल में रहते हैं, सांप वगैरह जो एम्फीबियंस रहते हैं, मैमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इतने कुछ जो जंगलों में रहते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई काम के नहीं है, सभी काम के हैं। अब बात करें तो एक कुछ चीजों के बारे में, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल है, हमें सबको पता है कि टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है, और हाल फिलहाल में जो था कि टाइगर की संख्या बहुत कम गई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के मुहिम के द्वारा, गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस के कारण क्या हुआ कि जो टाइगर है उसको क्या किया गया, उसको बचाया जाता है, और उसके कारण क्या होता है, फिर टाइगरों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है। अब बात करें गिर जो है, गिर का जो जंगल है गुजरात में, वो क्या है, वो जो है एशियाटिक लायंस का जो होम है। फिर एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। अब अगर बात करें तो एलिफेंट्स और वन हॉर्न जो राइनोसोरस है वो कहाँ मिलते हैं, असम मिलते हैं। हाल फिलहाल में अगर आपने देखा हो कि असम में जो बाढ़ आई थी तो बहुत सारे हाथियां और जो राइनोसोरस थे वो क्या थे, जंगलों से बाहर निकल गए थे। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। और एलिफेंट कहाँ, हाथियां कहाँ मिलते हैं, केरला और कर्नाटका में हाथियां बहुत ज्यादा मिलती है। तो क्या आपको पता होना चाहिए, केरला का जो सिंबल है, स्टेट का जो सिंबल है, उसका भी जो सिंबल वो क्या है, वो हाथी का ही है। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। अब बात करें कि कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो मतलब जो जंगली गधे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो ग्रेट इंडिया डिजर्ट में मिलते हैं या रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। ठीक है, अब वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन क्या क्या मिलते हैं, जंगली बकरियां मिलती है, स्नो लियोपार्ड मिलते हैं, भालू मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। अब बात, इंडिया इज इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ। अब इंडिया तो आपने देख लिया जानवरों में कितना रिच है, कितना कुछ जानवर हमारे देश में। अब साथ ही बात है, बर्ड में भी हमारा जो देश है उतना ही रिच है। पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स है। ये जो कॉमन बर्ड्स है जो कि हम आसपास हमें देख सकते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट।
अब बात करें बहुत सारे जो सेवरल बर्ड सेंचुरीज भी बनाए गए हैं जो क्या करते हैं जो पक्षियों को जो है नेचुरल हैबिटेट दिलाने के लिए रखे गए हैं और उनको बचाने के लिए भी रखे गए हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, कोबराज एंड क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग देम। और बहुत सारे सांपों को बचाने के लिए जैसे कोबरा क्रेट्स जो उसमें बचाने के लिए भी रखा गया है। अब ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग रैपिडली। लेकिन जो बहुत स्पीड से जो जंगलें कट रही है जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ बहुत तेजी से कम रही है। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट और बहुत कुछ जो खत्म सा हो गया है। आप अगर आप थोड़ा सा आपको एग्जांपल दो तो हमारे आसपास जो था ना बुलबुल नजर आती थी, छोटी सी गौरैया पक्षी नजर आती थी, लेकिन आजकल नजर आती है बहुत कम नजर आती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेनी नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। और गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंने बोला कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चालू किया था कि इन एनिमल्स को बचाने के लिए। तो मतलब कितना हम अपने स्वार्थी के हो गए हैं कि हम अपने आप को ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम क्या करें, हम जो है हाथी वगैरह को मतलब जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसको हम लोग सेल करते हैं, हम उसको कोई इज्जत नहीं दे रहे। तो हमें इसको सोचना चाहिए अपने तरफ से। तो ये आप देख रहे बहुत लार्ज स्केल पोचिंग एलिगेटर्स इन द सिमलीपाल रिजर्व, विलेजेस इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेटेड, टाइगर क्राइसिस हैव वी डन एनफ टू चेक पोचिंग। तो आप देख सकते हो क्रैम्पिंग इन गियर लॉयंस पाइन फॉर ग्रासलैंड, देख सकते हो कितनी न्यूज आर्टिकल्स आती है। तो हमें भी अपने आसपास जो है बहुत कुछ को बचा कर चलना है, नहीं तो फिर हम भी क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर जब धीरे धीरे खत्म हो तो धीरे धीरे हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हम एक दूसरे पर डिपेंड है, तो हमें इनको बचाना वे हमें बचाएंगे। इसलिए मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि इनको आप जरूर बचाइए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, तो जय हिंद।